राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत झारखंड के हर गांव में 10 केवी का ट्रांसफार्मर दी गई है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जैसे कि पाकुड़ जिला का महेशपुर प्रखंड अंतर्गत डोमनाबंद गांव में मौली जनजाति के लोग रहते हैं। यहां का ट्रांसफार्मर 2015 मार्च में ही खराब हो चुका है, लेकिन बिजली बिल प्रत्येक माह गरीबों के बीच में आ जाता है, जिससे गरीब लोग परेशान है। क्या समस्या है यहाँ? बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने का। कितना दिन पहले खराब हुआ है? जून से पहले। इसमें एप्लीकेशन दिए थे आप लोग? जी हाँ दिए। कितना बार दिए? एक ही बार दिए। तो उसमें क्या कहा पदाधिकारी? हम मजपुर ऑफिस में जमा किए तो बोलता है कि हम पाकुड़ लेके जाएंगे। हम लोग बोल रहे थे कि रिसीविंग दीजिए सर, बोलता है रिसीविंग नहीं देखे, मतलब अब हम पहुँच जा देंगे पाकुड़। तो अभी तक ठीक नहीं किया? अभी तक ठीक नहीं किया, मतलब बिल आ रही है ना। अच्छा, बिल आ रही है जी। आप लोग बिजली आप लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन बिल आया? हम लोग रोकने चाह रहे थे। कितना दिन, कितना बार आया? हाँ, इसके बाद तो 2-3 बार आ चुका है, लेकिन इसके बाद तो नहीं देखे कि नहीं आई है। इसका पता नहीं है कि आ रहा है कि नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर लाने के लिए तो अभी तो पैसा का प्रॉब्लम है ना, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे उतना पैसा खिला पाएंगे। पैसा मांग रहा है? हाँ, तो ट्रांसफार्मर लाने के लिए पैसा मांगेंगे। वो लाने के लिए? लाने के लिए प्लस ट्रांसफार्मर का दाम लेने के लिए। कितना मांगता है? हाँ, कितना, 18 से 20 हज़ार तक मांग रही थी कि 16 या 25 के बीच। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई कि डुमनाबंद गांव में खराब ट्रांसफार्मर के बदले नया ट्रांसफार्मर बैठाया जाए एवं गलत बिजली बिल पर कार्रवाई की जाए, ताकि वहाँ का समस्या दूर हो सके। अतः आप सभी समाजसेवी दर्शक भाइयों एवं बहनों से अपील करती हूँ कि पाकुड़ जिला के SDO विधानंद शर्मा का मोबाइल नंबर 9431156194 पर कॉल कर निवेदन करें, ताकि डुमनाबंद गांव में नया ट्रांसफार्मर बैठाया जाए और गलत बिजली बिल पर कार्रवाई की जाए, ताकि वहां का समस्या दूर हो सके। मैं हूं एमिलिया, जिला पाकुड़, झारखंड, इंडिया अनहर्ड के लिए।